हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिन्स वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ता बिरयानी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज है। जब भी आप अपने घर में बनाएंगे तो लोग आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, क्योंकि ये डिश मेरे घर वालों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई और सब ने मेरी बहुत ही तारीफ़ की। उम्मीद करती हूँ आपके घर वालों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं चिकन कोफ्ता बिरयानी कैसे बनाते हैं। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 kg देहरादून चावल लिया है, जिसे मैं 30-45 मिनट्स तक पानी में भिगोकर छोड़ दूँगी। 1 kg चिकन का कीमा, जिसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 1 tablespoon हल्दी पाउडर, 1/2 tablespoon गरम मसाला, 1 tablespoon काले मिर्च पाउडर, 1 tablespoon जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 9-10 चॉप्ड हरी मिर्च, 1 tea cup बेसन, 1 tea cup ऑयल, 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 handful हरा धनिया, 1 medium size टमाटो एंड 1 medium size अनियन। इन दोनों का हम बहुत ही फाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आप भी इसी तरह रखें। हम एक बोल में चिकन की कीमे को डालेंगे और साथ ही उसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। और सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते के साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बड़े साइज़ के पसंद है तो आप कोफ्तों को बड़े साइज़ दे सकते हैं, और अगर छोटे पसंद है तो आप छोटे साइज़ में कोफ्ते बना लें। कोफ्तों को हम डायरेक्टली फ्राई नहीं करेंगे। फ्राई करने से पहले हम एक कढ़ाई में कोफ्तों को ट्रांसफ़र करेंगे और ढक कर थोड़ी देर हाई फ्लेम पर रखेंगे, जिससे हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से टाइट हो जाए। जैसा कि देख सकते हैं, चिकन का पानी अब रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। इसके पानी सूखने तक हम इसे ढक कर रखेंगे, और जब इसका पानी अच्छी तरह सूख जाए तो हम इसके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जैसा कि देख सकते हैं, पानी अब अच्छी तरह सूख गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, हमारे कोफ्ते फ्राई होने के लिए रेडी हो गए हैं। फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे। तेल गरम होने तक वेट करेंगे। तेल जब अच्छी तरह गरम हो जाए तब इसमें कोफ्तों को फ्राई करेंगे। कोफ्ते डालने के बाद संग संग उसके साइड्स को चेंज ना करें। 1-2 मिनट के बाद उसके साइड्स को चेंज करें। कोफ्तों के साइड्स को अच्छी तरह चेक करते हुए गोल्डन कलर होने तक फ्राई करें, और जब गोल्डन कलर हो जाए तो उसे निकाल लें। जैसा
जैसा कि देख सकते हैं कलर अच्छी तरह से आ गया है। अब हम इसे वन बाय वन निकाल लेंगे। बाकी के बचे हुए कोफ्तों को भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। सारे कोफ्ते अब अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। ग्रेवी के लिए हम 1 कप ऑयल लेंगे। मैं यहाँ पर फ्राई किए हुए कोफ्तों का बचा हुआ ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल में 1 मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज डालेंगे और उसके कलर चेंज होने तक उसे फ्राई करेंगे। प्याज का कलर अब अच्छी तरह से चेंज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डालेंगे जो हमने पहले रेडी किया था, और उसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। वन टीस्पून काले मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 100 ग्राम दही डालेंगे और अच्छी तरह मसालों को भून लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं मसाले अब अच्छी तरह भून गए हैं और ऑयल भी सरफेस पर आ गया है। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे।
और इसे ढककर हम अच्छी तरह कुक करेंगे। कोफ्ते जब तक रेडी होंगे, दूसरी तरफ हम बिरयानी के चावल को रेडी करेंगे। पानी में 3 तेज़पत्ता, 3 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे जिससे चावल खिले खिले रहे, और लौंग इलायची डालकर पानी में उबाल आने तक उसे छोड़ देंगे। जैसा कि देख सकते हैं, पानी में उबाल आ गया है और अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल को चेक करते रहे क्योंकि हमें चावल को पूरी तरह से नहीं पकाना है, सिर्फ 90% ही चावल को पकाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं, चावल अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इसे छान लेंगे। दूसरी तरफ हमारे कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं। अब हम बिरयानी की लेयरिंग की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लेयरिंग के लिए हम चावल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले हिस्से में आधा चावल डालें। चावल डालने के बाद मैं यहाँ पर आलू डाल रही हूँ। आलू डालना ऑप्शनल है। मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में सबको बिरयानी में आलू खाना पसंद है। अगर आपके भी घर वालों को पसंद है तो आप भी ज़रूर डालें। अदरवाइज पसंद नहीं है किसी को तो ना डालें। आलू डालने के बाद अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। सारे कोफ्तों को मैंने डाल दिया है। अब हम चावल की सेकेंड लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सारे कोफ्ते डालने के बाद बचे हुए जितने भी चावल हैं, सारे चावल को आप अच्छी तरह से डाल दें। इसके बाद 1 टी कप मिल्क ले और उसमें फूड कलर और 2 ड्रॉप मीठा इत्र डाले और मिक्स कर ले और चावल के चारों तरफ अच्छी तरह से डाल दे। कलर डालने के बाद हम थोड़े से गरम मसाला ऊपर से डालेंगे और उसके बाद 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर उसमें डालेंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर उबले हुए अंडे डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप भी ज़रूर डालें। अंडे डालने के बाद अब हम इसे दम करेंगे। दम करने के लिए आप तवे को 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर गरम कर ले और उसके बाद पॉट के लिड लगाकर उसे तवे पर रख दे। 20 से 25 मिनट तक दम करेंगे। आप देख सकते हैं, बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये बिरयानी एक बार आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक।